मेरा नाम एस इरफान अबीब है और मॉडर्न हिस्ट्री पर इंडिया की काम किया है। शहीद भगत सिंह पर दो किताबें मैंने की हैं और मैं पिछले 40 साल से भगत सिंह की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, जो मैं असली विरासत भगत सिंह की मानता हूँ, वो क्रांतिकारी विचार जिनको हमें याद रखना चाहिए वो हम नहीं रखते। मैंने जब किताब दिया भगत सिंह पर, राहुल गांधी को लगा भी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं जो लोग आमतौर से नहीं उठाते, और मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, भक्ति मूवमेंट के बारे में, सूफिज्म के बारे में, सिखिज्म की पैदाइश कैसे हुई। मैंने ये कहा कि भाई वो तो भक्ति मूवमेंट की पैदावार है, गुरु नानक देव तो भक्ति सेंट थे, तो यही एक संदेश है पंजाब में खास तौर से। मेरा मकसद आने का सिर्फ ये था कि मैं जो ऑब्जेक्टिव लेके राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की कि आप मुल्क को, लोगों को आपस में धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्यार मोहब्बत से रहने की बात सिखाएं, इस उद्देश्य को लेकर जो यात्रा शुरू की गई है वो एक बहुत ही अच्छा और देश को आगे ले जाने वाला उद्देश्य है, क्योंकि मुल्क में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए और आपस में भाईचारा होनी चाहिए। जिस तरह के रिएक्शन है उससे महसूस होता है कि लोगों में इस बात का एहसास है, इसलिए लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मैसेज तो यही है कि इसको पॉलिटिकल यात्रा की तरह ना देखा जाए, इसमें जो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं वो सियासत से ऊपर हैं और उसमें सब लोगों को जुड़ना चाहिए। बात यह है कि देश सुधर जाएगा, कम ज्वाइन द यात्रा, अब नहीं तो कब।